चलो जी, स्पेशलाइजेशन थर्ड यूनिट हम बाद में पढ़ेंगे, हम फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट इसलिए नहीं पढ़ रहे बिकॉज वो सिमिलर है, वो जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ यूनिट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। शाबाश, क्या होती पॉवर्टी? हाँ जी, गरीबी। हाँ, कौन गरीब है? ये और हम गरीब हैं। आपके हिसाब से कौन गरीब है? मतलब अगर आप बोलते हो भाई हम गरीब हैं, सपोज चलो यही मान ले भाई तुम गरीब हो, क्या मानते कि क्या चीज ना होने पे गरीब है बंदा? बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स। देखो मेरी बात सुनो, गरीब का मतलब बड़ा सिंपल सा मतलब है, जो हमारी बेसिक नीड्स है ना, अगर बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो पा रही वो बंदा गरीब है, ठीक है। बेसिक नीड क्या है जी? मेनली फूड, घर, ठीक है जी, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है जी, चलो जी, हाउस, शेल्टर हो गया, चलो ठीक है जी, क्लॉथ्स, ठीक है जी, अच्छा प्रॉपर, बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल नहीं पा रही है, ठीक है जी, साफ ये मतलब अच्छा न्यूट्रिशियस खाना नहीं खा पा रहा है, लाइफस्टाइल भी हो सकता है इसमें। वैसे पॉवर्टी को डिफाइन करना इम्पॉसिबल बात है, ये कोई कर नहीं सकता, बट फिर भी अगर आप कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन देखेंगे तो पॉवर्टी का मतलब यही है कि बेसिक नीड्स फुलफिल ना होना, ये पॉवर्टी है, ठीक है। अब हम देखेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पॉवर्टी, आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है, ठीक है, हमें डेफिनेशंस नहीं पढ़नी, हमें देखना इंडिया में क्या हाल है पॉवर्टी का, सरकार ने क्या क्या काम किया है पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है, ये हमारे काम की चीज है, ठीक है जी। चलो जी, हम पढ़ेंगे पॉवर्टी। पॉवर्टी वेरी सिंपल इज अ स्टेट कंडीशन इन विच वन लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ठीक है जी, एंड एसेंशियल ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। बोलता है जी ये सोशली भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, बड़ी सिंपल सी बात है, आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज फाइनेंशियल चीजों में लैक है। पॉवर्टी के अपने बड़े ज्यादा रेपरकशंस हैं। बोलते हैं ना गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, क्यों बोलते हैं आप बता सकते हैं? कैसे गरीब गरीब ही होता है बताओगे? क्यों गरीब गरीब होता है? जब हमारे पास रिसोर्सेस नहीं ना होते हैं तो पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो मजदूर है, यहाँ पे लेबर है, ठीक है, ये बंदा लेबर है बेचारा, और ये एक दिन में 300 रुपए कमा रहा है, सपोज 300, कई 300 भी नहीं कमाते, दूर बिहार, अगर आप गांव के इलाके देखोगे ना 300, वो शहर में होगा तो चलो वो कमाएगा, गाँव में इसको 300 भी नहीं होगा, ठीक है। जब इसके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ये अपने बच्चे को एजुकेशन नहीं दे सकता, जब इसके बच्चे के पास एजुकेशन नहीं होगी, इसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगी, ये एक्सेल नहीं कर पाएगा, तो ये जो साइकिल है ये चलता ही रहता है। अमीर ही क्यों, अमीर क्यों हो रहा है? बिकॉज इसके पास रिसोर्सेस थे, इसने रिसोर्सेस का यूज किया, इसका बच्चा अच्छा पढ़ लिख गया, अच्छा स्पोर्ट्समैन बन गया, अच्छा म्यूजिशियन बन गया, सिंगर बन गया, पैसे थे एल्बम निकाल दी, वही गरीब है, ये इसके पास वो है नहीं रिसोर्सेस, ये सिंगर था बड़ा अच्छा था लेकिन बैठ रहा घर पे, तो ये एक प्रॉब्लम है, साइकिल है, अभी हम देखेंगे इसके बारे में। नाउ टाइप्स ऑफ पॉवर्टी समझना जल्दी से, दो तरीके की पॉवर्टी हो सकती, एक होती ऑब्सोल्यूट, एक होती रिलेटिव। ऑब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ऑब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ऑब्सोल्यूट का मतलब सिंपल जो पॉवर्टी आप समझ रहे हो भाई, बेसिक नीड्स नहीं है इसलिए ये गरीब है। रिलेटिव का मतलब होता है रिलेटिविटी, रिलेट करना किसी के साथ, मेरी बात समझ रहे हो आप? कहने का मतलब यह है, सपोज आप जिस मोहल्ले में रहते हो, उस मोहल्ले में कोई ऐसे भी लोग रहते होंगे जो आपसे गरीब हैं, कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो आपसे अमीर हैं, तो अमीर के कंपैरिजन में आप गरीब हुए, आपके कंपैरिजन में यह बंदा गरीब हुआ, यह रिलेटिविटी है, रिलेटिव पॉवर्टी। जब हम रिलेट करते हैं किसी के साथ, ऑब्सोल्यूट मतलब बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल हो रही पॉवर्टी, ठीक है, ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी। कंडीशन वेयर हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड का मतलब होता है घर, एक फैमिली, इनकम इज बिलो ए नेसेसरी लेवल, इनकम कम है,
ताकि वो क्या कर सके, अपने जिंदगी के मिनिमम स्टैंडर्ड जो है उसको पूरा कर सके, जिसमें फूड, शेल्टर, हाउसिंग एक्सेट्रा है। दिस कंडीशन मेक इट पॉसिबल टू कंपेयर बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑल्सो ओवर टाइम। ये ऑब्सोल्यूट होती है। रिलेटिव क्या है, बोलता है इट इज डिफाइंड फ्रॉम द सोशल परस्पेक्टिव। सोशल परस्पेक्टिव समाज के परस्पेक्टिव के साथ देखा जाएगा। इट इज लिविंग स्टैंडर्ड कंपेयर टू द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ पॉपुलेशन हैविंग इन सराउंडिंग्स। आपके आसपास में जब हम कंपेरिजन करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव नाम में ही पता लग रहा है ना, ठीक है जी। चलो जी आगे। यूजुअली रिलेटिव पॉवर्टी इज मेजर्ड एज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन विद इनकम लेस देन फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मीडियन इनकम। मतलब ये बोल रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड इनकम मान लो आप, उससे कम इनकम वाले बंदे जो हैं उनका परसेंटेज कितना है और इनका परसेंटेज कितना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलते थे मिडिल क्लास, लोअर क्लास, मान लो जिनका 50,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं एक बंदा जिसका पापा, वो मिडिल क्लास में आप समझ लें, उसके नीचे जितने भी हैं वो सारे के सारे लोअर क्लास हो जाएंगे। तो एक रिलेटिविटी बात है, ज्यादा उसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं। ऑब्सोल्यूट एंड रिलेटिव हमें पता लग गया। कॉजेस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा चलो मैं अगर आपसे पूछूं क्या कारण हो सकते हैं, बोल पहला कारण मैं आपको खुद ही बता देता हूं, गरीबी ही गरीबी का कारण है। एक कारण तो ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट और लैक ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल, जब एजुकेशन नहीं होगा तो ट्रू पूरा के पूरे पोटेंशियल तक बंदा नहीं पहुंच पाता। एजुकेशन की लैक है, अनएम्प्लॉयमेंट है और शाबाश अवेयरनेस नहीं है। चलो एजुकेशन ही बोल दे हम, लैक ऑफ अवेयरनेस है और रिसोर्सिस। चलो ठीक है जी, रिसोर्सिस नहीं है, वही मैंने पहले बोल दिया। जैसे पॉवर्टी इट्सेल्फ ए कारण ऑफ पॉवर्टी। पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है भाई, पॉपुलेशन भी एक गरीबी का कारण है। बिकॉज ज्यादा पॉपुलेशन होगा रिसोर्सेज आप देखेंगे नहीं बट पाएंगे इक्वली। इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि जो इतनी बड़ी जीडीपी होने के बाद भी गरीबी हैं लोग, ठीक है, क्योंकि वो बेनिफिट्स उनको मिल ही नहीं पा रहे हैं इतने ज्यादा। फॉर एग्जांपल के लिए किसान, प्रधानमंत्री किसान योजना के अंदर 6,000 रुपए किसानों को मिलते हैं भाई, किसान ही इतने, ये बात समझ रहे। अब वो किसानों का प्रोपोर्शन कम हो जाए तो वो पैसा जो इनके लिए एलोकेट किया जा रहा था मे बी 6,000 से 60,000 तक पहुंच जाए। तो एक पॉपुलेशन भी बड़ा कारण है गरीबी में, ठीक है। बोलते हैं ना वो गवर्नमेंट चला रही है जी, स्कीमें चलाती हैं, हम दो हमारे दो बच्चे दो ही अच्छे, वो क्या है यही भाई, पॉपुलेशन कंट्रोल हो। ऑफ कोर्स ये नेचुरल बात है ना, हर एक पेरेंट 50,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है, और अगर उसके एक दो बच्चे ही हैं तो थोड़ा बहुत कर लेगा, वही 10 बच्चे घर के बैठा हुआ है तो ऑफ कोर्स इनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, ये अच्छे स्कूल में नहीं जा पाएंगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम होगी। तो ओवर पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के बेनिफिट भी होते हैं लेकिन अभी हम नुकसान की बात कर रहे हैं। चलो जी और शाबाश, इंडिया में गरीबी का कारण, शाबाश, इंडिया में एक गरीबी का कारण है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। अंग्रेजों के द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन हुई है ना 200 साल तक, एक ये भी कारण है। इस पे खास नजर रखनी है आपने, कॉजेस के ऊपर याद रखना, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। चलो देखते हैं अभी कौन कौन से है, अब इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। नंबर वन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये आपका टॉपिक भी है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है जब एकदम से तेजी से पॉपुलेशन बढ़ जाए ना तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है। इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ही हुआ है, ठीक है। वो कैसे होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, देखो बर्थ होता है, डेथ होती है, ठीक है। इंडिया में आप देखेंगे एक टाइम पे बर्थ रेट भी बड़ा ज्यादा था, डेथ रेट भी बड़ा ज्यादा था। अब बर्थ रेट तो ज्यादा होना ही है लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस, लोग ज्यादा ज्यादा बच्चे कर रहे हैं, चलो ठीक है। डेथ रेट भी ज्यादा है, कोई मारी थोड़ी सी बीमारी भी हुई मर गए, खांसी हुई इसको मर गया, खांसी से ही मर गया, टीबी, ठीक है, डायरिया, कॉलरा, चिकन पॉक्स, इतनी छोटी छोटी बीमारियों से मर जा रहे। तो आप देखें पॉपुलेशन स्टेबल ही थी लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई, हेल्थ फैसिलिटीज थोड़ी सी अच्छी हुई, ठीक है। तो आप देखेंगे डेथ रेट तो घट गया, बर्थ रेट नहीं घटा,
तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, क्योंकि बर्थ रेट घटाने में, बर्थ रेट ये दिमाग से घटता है थोड़ा सा, इसको टाइम लगता है, ठीक है, हमारी आइडियोलॉजी एक बन जाती है। फॉर एग्जांपल कई मुल्क ऐसे हैं लोग एक भी बच्चा नहीं कर रहे, हमारे यहाँ पे कम से कम दो दो करेंगे ही करेंगे ये नॉर्मल है ना, पहले ऐसा ही होता था, जैसे आज दो है भाई मिनिमम दो तो होने चाहिए, पहले ऐसा ही होता था, पांच तो होने चाहिए यार कम से कम। तो माइंडसेट को चेंज करने में टाइम लगता है, टेक्नोलॉजी के साथ एकदम से माइंडसेट चेंज नहीं होता, तो इनका भी नहीं हो। तो डेथ रेट घट गया, बर्थ रेट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, बट ड्यूरिंग द पास्ट 45 इयर्स इट हैज रिजन एट द रेट ऑफ 2.2% पर ईयर, ठीक है, बोरा जिसका मतलब है 17 मिलियन लोग ऐड हो रहे हैं हर साल, जो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। चलो जी, एक कारण हो गया। दूसरा है लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बोल रहा है अगला एक कारण है। देखो लो एग्रीकल्चर, इंडिया का एग्रीकल्चर कंपेयर टू बाकी मुल्क बड़ा पीछे है, ठीक है जी। कारण यह है कि जितने लोग हमने अपने एग्रीकल्चर में लगा दिए ना, उतनी तो प्रोडक्शन ही नहीं होनी भाई। खेत जी है ना, अगर इसमें से 100 क्विंटल निकलना ना अनाज, वो 100 ही निकलना है, तुम इसमें 5 की जगह 10-20 बंदे क्यों ना लगा दो काम करने के लिए, क्या ही कर लेंगे, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, लिमिटेड है। तो इंडिया में एक कारण यही है, पूरी पूरी फैमिली लगी हुई है एग्रीकल्चर में, प्रोडक्टिविटी कम है। चलो जी, ज्यादा इसमें कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, इसका कारण और भी है बोल रहा है, इट इज फ्रेगमेंटेड, खेत हमारे क्या है टुकड़ों में बटे हुए हैं, सब डिवाइडेड होल्डिंग्स, लैक ऑफ कैपिटल, इलिटरेसी, टेक्नोलॉजी का नहीं पता। सरकार आए दिन नई नई स्कीम लेके आती है, ठीक है जी, नए नए आप देखेंगे फर्टिलाइजर्स लेके आती है सब्सिडाइज रेट पे, ठीक है, किसानों को बोलती है अपनी जमीन का चेकअप कराओ और देखो इसमें किस चीज की कमी है वही यूज करो, ये मर्जी से करे जा रहे हैं बेचारे, तो इस वजह से कई कमी आपको देखने को मिल जाएगी। चलो जी, इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना वो कहीं प्रॉपर तरीके से यूज नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से यूज नहीं हो पा रहे, देयर इज अंडर डेवलपमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। वैसे जब अनएम्प्लॉयमेंट हम पढ़ेंगे तो आप उसमें आपको पता लगेगा, डिसगाइज्ड इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन सकता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है उधर बताऊंगा, particularly in farming sector, ठीक है। This has resulted in low agriculture output and led to dip in standard of living, ठीक है। Resources का proper utilization ना होने का मतलब ये है कि वो जितना better हो सकता था नहीं हो रहा है। दो बंदों में काम चल जाना था, 6-6 लगाए हुए हैं, ठीक है, उन 4 बंदों को कहीं और पे लगाया जा सकता था, ज्यादा पैसे बन सकते थे, ठीक है। अगला है लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिंपल, हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप देखेंगे 1991 से तो जीरो ही चल रही थी, देन उसके बाद आप देखेंगे एलपीजी रिफॉर्म्स आए, याद रखना 1991, याद आपको ग्लोबलाइजेशन में हमने पढ़ा था, ठीक है जी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबल इकोनॉमी, हमने पूरी दुनिया के लिए इकोनॉमी को ओपन किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई, और तब आप देखेंगे नए अपॉर्चुनिटीज डेवलप हुए और आगे हम चलेंगे। प्राइस राइज, इन्फ्लेशन एक इंपॉर्टेंट कारण है, गरीब मार हो जाती है इन्फ्लेशन से, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा लाख रुपया भी कमा रहा है एक महीने का, लाख रुपया भी कमा रहा है, लेकिन चीजों के प्राइजेस ही इतने हाई हैं। फॉर एग्जांपल ये किराए पे रहता है, 20,000 रुपये किराया दे रहा है, ठीक है जी, 100 रुपये लीटर दूध ले रहा है, 2,000 रुपये सिलेंडर का ले रहा है, तो जितनी मर्जी फिर इनकम बन जाए, प्राइजेस अगर चीजों के हाई हैं तो पॉवर्टी होनी ही होनी है, पॉवर्टी होनी ही होनी है, ठीक है जी। जैसे आज आप देखेंगे एक टाइम पे हमारे, जैसे आपने सुना होगा आपके दादा दादी या मम्मी पापा बोलते होंगे जी, महंगाई पे बात करते होंगे, पहले इतने रुपए में ये चीज़ें आ जाती थी, है ना, मेरे दादा बताते हैं, ऊपर उन्हें बता रहे हैं 1 रुपये 2 रुपये में मेरी शादी होगी पूरी 1-2 रुपये में, ठीक था वो ज़माना, ठीक है, 1-2 रुपये में शादी। अब वही क्या है, प्राइस राइज हो चुका है, अब लाख रुपया भी बंदा कमा रहा है वो भी कम पड़ रहा है, ठीक है। तो प्राइस अगर कहीं ना कहीं कम होंगे तो पॉवर्टी भी कम हो सकती है। चलो जी, बोल रहा प्राइस राइज जो है ये भी बर्डन और बढ़ा देगा गरीब बंदे का, ठीक है। पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, लोअर इनकम ग्रुप हैव सफर्ड, ठीक है, पर कईयों को तो बेनिफिट हुआ, उनको बेनिफिट हुआ ना जिनका सामान बिक रहा है, जो महंगे में बेच रहे हैं, सरकार को ज्यादा टैक्सेशन मिल रहा है, लेकिन गरीब का क्या हो रहा है, इधर नुकसान हो रहा है, जिस वजह से बेसिक मिनिमम वांट्स को पूरा नहीं कर पा रहा। प्राइसेस हाई है तो ये इसको एजुकेशन भी नहीं मिलेगी ना,
मान लो एजुकेशन फीस ही 2,000 रुपये है बच्चे की, ये नहीं दे पा रहा है। ठीक है चलो जी, अब सरकारी में भी आज देखेंगे आप कॉलेजेस में इतनी इतनी ज़्यादा फीस है, मुश्किल हो जाती है इकट्ठे करनी। अगला अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है वेरी सिंपल, इसको तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट जितना बढ़ेगा गरीबी उतनी बढ़नी ही है, बिकॉज उसके पास पैसे नहीं आएंगे। ठीक है जी, लैक ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है वो बंदा जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो स्टार्टअप करता है, बिजनेस शुरू करता है, उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिजल्टेड इन द लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन इन द इकोनॉमी। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जितनी कम इन्वेस्टमेंट होगी उतने ही कम जॉब भी बनेंगे, ठीक है, जितने ज्यादा बिजनेसेस बनेंगे उतनी ही जॉब भी क्रिएशन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1990 से पीछे चले जाओ तो लोगों के पास गिन चुन के दो चार ही काम है, मैं बताऊं आपको, ठीक है जी। मान लो जी कोई डॉक्टर बन गया, ठीक है, या आप किसान बन गए, कुछ बाकी नहीं बना तो वो किसान ही है, जमीन है उसके पास, या लेबर बन गए, दो चार काम। बट आप देखेंगे जब नई इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, नए सेक्टर्स बनते हैं तो नई जॉब क्रिएशन होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आईटी सेक्टर, अभी आईटी सेक्टर देखो कितना बड़ा ज्यादा आईटी सेक्टर हो गया, ठीक है। अब ये बोर्ड बनाने वाली है कंपनी, बोर्ड बना रही है, ठीक है जी, इन बोर्ड को सिखाने वाले बंदे अलग, बोर्ड को इंस्टॉल करने वाले बंदे अलग, ठीक है जी, ऑनलाइन टीचर पढ़ाने वाले अलग, ठीक है। इसके बाद में देखो इंस्टाग्राम लोग रील बना बना के पैसे कमाए जा रहे हैं, है कि नहीं, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, ठीक है, सामान अमेजोन से घर पे बैठ के सामान बेच दे रहे हैं अपना। तो नए नए जितने इन्वेस्टमेंट होंगी, कैपिटल जनरेशन होगी, उतनी ही ज्यादा बूस्टअप होगी इकोनॉमी में, जॉब क्रिएशन होगी, अगर नहीं होगी तो पॉवर्टी होगी। एक कंट्री ऐसी जो दुनिया से अलग है, अपने ही लगा हुआ है, जिसने ग्लोबलाइज नहीं किया अपने आप को, वो गरीबी का शिकार होना ही है। इंडिया के भी हालात तभी तो सुधरे 1991 में, मनमोहन सिंह थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने ये रिफॉर्म्स को लाया था। कई सोशल फैक्टर्स भी है, सामाजिक फैक्टर, सामाजिक फैक्टर मतलब जात पात का चक्कर, एक तबके को डेवलप ही नहीं होने देना, जो हिस्टोरिकली इंडिया में देखने को मिला है, हमें रहा है, ठीक है। क्यों डिप्रेस्ड क्लासेस क्यों डिप्रेस्ड हो गई है, ये नहीं कि वो मेहनती नहीं थे, मेहनती थे, मेहनत उनको, लेकिन उठने ही नहीं दिया गया, समझ गए। तो सोशल फैक्टर हो सकता है, बोल रहा अपार्ट फ्रॉम दीज इकोनॉमिक फैक्टर्स कुछ सोशल फैक्टर्स भी हैं जो कि आपको देखेंगे पॉवर्टी में शामिल है। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द हिंड्रेंस इन दिस रिगार्ड, लॉस ऑफ द इनहेरिटेंस, कास्ट सिस्टम, सर्टन ट्रेडिशंस एटसेट्रा, सर्टन ट्रेडिशन एटसेट्रा, मतलब कई समाज ऐसे हैं वो बोलते हैं जी हमारा यही काम है, यही काम करना है, और किसी काम को करेंगे ही नहीं, या करेंगे तो फिर लोग इनको ताना मारेंगे, ये करने नहीं देंगे। तो ये भी कई सर्टन प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम रही है कि जो लोग हैं पॉवर्टी के अंदर दबे हुए हैं। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब अंग्रेजों ने डिफरेंट मुल्कों को अपनी कॉलोनीज बना लिया। कॉलोनी का मतलब होता है बनाना, एक बड़ी कंट्री का किसी और कंट्री पे कब्जा हो जाना, ठीक है। और इनका मेन मकसद क्या था, एक्सप्लॉयटेशन, पैसा जो है, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, पढ़ा ना हमने हिस्ट्री में, किसने दी थी थ्योरी ये ड्रेनेज ऑफ वेल्थ की, शाबाश, कौन लीडर कौन है, दादा भाई नारोजी, इकोनॉमिस्ट थे, ठीक। तो इन्होंने क्या कर दिया, हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया दो सेंचुरीज तक, इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, हमारी जो खुद की इंडस्ट्रीज थी हैंडीक्राफ्ट्स की, हाथों से चीजें बनाने की कला जो थी, जो इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो गई। क्यों बंद हो गई, टॉपिक बड़ा हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में, मशीन आ गई, मशीन जल्दी कर रही है वो काम, सस्ता बना के दे रही है, ये हैंडीक्राफ्ट वाले बेचारे लेट भी दे रहे हैं और साथ में महंगा भी दे रहे हैं। तो इस वजह से भी आप देखेंगे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई। कॉलोनियल पॉलिसीज ट्रांसफॉर्म इंडिया टू ए मेयर रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर फॉर यूरोपियन इंडस्ट्रीज, मतलब ये यहां से रॉ मटेरियल लेके गए यूरोप में, वहां से सामान बनाया, फिनिश गुड आके इधर बेचा, रॉ मटेरियल तो हमारा ही था और फिनिश गुड इन्होंने आके हमें ही बेचा, ठीक है, जिस वजह से हमारी इंडस्ट्रीज भी रुइन होगी और इसका बड़ा ज्यादा इंपैक्ट रहा, ठीक। चलो जी, क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं,
किसी देश की गरीबी में क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा इलाका है जहाँ पे सुनामियाँ ही आई जा रही है, वो बेचारे डेवलप करते हैं जी, भूचाल आ जाता है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है, तो उनका हाँ बिल्कुल, तो उनका पैसा तो इसी चक्कर में लगेगा ना, तो डेवलपमेंट नहीं होगी, उससे क्या हो रहेगा, गरीबी हो जाएगी। चलो जी, वही बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियाज पुअर बिलोंग टू द स्टेट ऑफ बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। नेचुरल कैलमिटी सच एज फ्रीक्वेंट फ्लड्स, डिजास्टर, अर्थक्वेक, साइक्लोन कॉज हैवी डैमेज टू एग्रीकल्चर इन दी स्टेट्स। आप देखेंगे साइक्लोन्स आते हैं साउथ इंडिया, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है, धन वो तबाह करके रख देते हैं। फ्लड्स आते हैं हिमाचल प्रदेश, देखिए आपने खबरें, हिमाचल प्रदेश अभी इस साल तबाही हो रही है। अब जब ऐसी तबाही होती रहेगी तो पॉवर्टी तो होगी होगी, ठीक है। चलो जी, एक पिक्चर आप देख लेंगे, ये है पॉवर्टी ट्रैप। पॉवर्टी ट्रैप मतलब एक जाल है, गरीब बंदा गरीबी में ही फंसा रहता है, इसको आप समझें थोड़ा सा। देखें, देखो बोल रहा है, बात शुरू होती है यहां से, लो इनकम से, ठीक है जी। अब लो इनकम होगी तो बंदे की सेविंग भी लो होगी, लो सेविंग होगी तो वो बेचारा इन्वेस्टमेंट भी कम ही कर पाएगा, इसके अपने रोटी नहीं पूरी हो रही, इन्वेस्टमेंट कहां से करेगा, ये नहीं कर पाएगा। इन्वेस्टमेंट मतलब बचा हुआ पैसा लगाएगा ना कहीं ना कहीं पे, ठीक है। चलो जी, और बोल रहा है अगर इन्वेस्टमेंट ही लो होगी तो लो इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी है, ठीक है जी, इकोनॉमिक ग्रोथ, और देन उसके बाद में हम देखेंगे ये सर्कल पूरा चलता रहेगा, ठीक है जी। लो इनकम है तो लो लेवल ऑफ एजुकेशन होगी ऑफ कोर्स, ठीक है, गरीब का बच्चा बेचारा पढ़ ही नहीं पा रहा है, वो रह जा रहा गरीब ही, दिहाड़ीदार था बाप, बच्चा भी दिहाड़ीदार बन गया, ठीक है। चलो जी, लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, भाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगी, एजुकेशन से तो होगी, जब एजुकेशन ही नहीं मिल रही है तो लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, देन ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है तो इसकी प्रोडक्टिविटी लो है, मतलब कुछ प्रोडक्टिव कर ही नहीं पाएगा, देन अगेन आप देखेंगे ये गरीबी गरीब चलता ही रहेगा, ठीक है, पॉवर्टी ट्रैप। तो आज हम इतना ही रख लेते हैं इसको, आज हमने देखो कुछ पढ़ा नहीं है वैसे खास, हमने बात की पॉवर्टी होती क्या, पॉवर्टी के कारण क्या, कारणों पर सवाल पूछा आपको जाएगा, Which of the following has been a cause, या फिर can be the cause poverty के लिए हो सकता है, ठीक है जी। कल हम देखेंगे इंडिया में पोवर कौन है, APL, BPL क्या क्राइटीरिया है, और गवर्नमेंट ने क्या काम किए हैं इस पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, ठीक है जी। चलो जी।